15 लाख का मुर्गा है, इसका अंडा 10,000 का है। आप बताओ कोई मसला तो नहीं है इधर रहते हुए? खाना पीना सब कुछ टाइम पे मिल रहा है? जिन्हें दाना ही अड्डा महंगा कर देता है। जिसका वेट जो है 10 किलो से ज्यादा ही होगा। आज तक इतने साइज का शामू बर्ड मैंने पाकिस्तान में इम्पोर्ट नहीं किया। कभी इनको जबर करने का कि इनका टेस्ट लिया जाए कैसे? किसी भाई को भी दिल गुर्दा हो इतना महंगा बर्ड खाने का, वो खा के जरूर देखे इसको। ये पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे छोटा असील माना जाता है। कोशामू इसका ब्रीड का नेम है। 3 बर्ड से स्टार्ट किया माशाल्लाह, उसी में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की। ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर मैंने माशाल्लाह अपनी फर्स्ट शिपमेंट जो है वो यूरोप से जो है वो इम्पोर्ट की। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी नानी ने मेरा नाम रखा रिजवाना शेख, और अभी आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का हाइट में सबसे बड़ा मुर्गा है, और ये मुर्गों की नायाब नस्ल शामू में से है। और अभी आपने गाड़ियों के बाइक्स के तो शोरूम बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन अभी मैं मुर्गों के शोरूम में मौजूद हूँ जहाँ पर आपको हाइट में बड़े बड़े मुर्गे भी दिखाई दे रहे होंगे। और अभी जिस नौजवान ने इसको पालने का शौक़ हुआ, दानी से बात करते हैं कि कैसे ये शौक हुआ पैदा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए। जी दानी, सबसे पहले बताएगा इसकी इसका वेट क्या है और इसकी क्या प्राइस है? वेट तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा, आपने एक बाजू में पकड़ा गया। ऑलमोस्ट 10 kg इसका वेट है ऑलमोस्ट, और इसकी हाइट की अगर आप बात करें तो 115 cm के है। और ये जर्मन ब्लड लाइन में से है। जर्मन ब्लड लाइन जो है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ के बर्ड्स होते हैं, लेकिन आज तक इतने साइज़ का शामू बर्ड मैंने पाकिस्तान में इम्पोर्ट नहीं किया। आपकी बातें बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आप इन सबकी लैंग्वेज बड़े अच्छे से गौर से सुनते हैं, इनको जवाब भी देते हैं जो इन्हें चाहिए और रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप एक टाइम गुजार लेते हैं किसी चीज़ के साथ तो फिर आपको उनकी ज़ुबान के बारे में भी समझ आती है। आपको पता है कि बोल तो नहीं सकते लेकिन समझ आपको आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। 5 साल ऑलमोस्ट मुझे हो चुके हूँ इनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये तंग हो रहे होते हैं, गर्मी सर्दी कुछ हो रहा होता है, तो वो हमें जो है वो इस चीज़ की फील आती है। शामू बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप बताओ कोई मसला तो नहीं है इधर रहते हुए? खाना पीना सब कुछ टाइम पर मिल रहा है? मूड नहीं है बात करने का बिल्कुल भी, और अभी इसके जो बच्चों की तरह इनसे दानिश प्यार करते हैं, इनसे इनको ही पकड़ा देते हैं। और इसका वेट जो है मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि इसका वेट जो है वो 10 किलो से ज़्यादा ही होगा। और जो ये 15 लाख का मुर्गा है, इसका अंडा जो है सिर्फ ये देखे जी 10,000 लिखा हुआ है कि इसका अंडा 10,000 का है। और जो इसका चूज़ा है वो देखें छुपा हुआ है उधर कॉर्नर में, कैमरामैन सनी जेम्स आपको दिखा सके, ये 25,000 का है। और 10,000 का अंडा मैंने भी आज तक बल्कि सुना नहीं था, खाना दूर की बात है, लेकिन दानी से पूछते हैं कि ये अंडा खाया भी है? बिल्कुल अक्सर अवकात खाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन ज़ाहरी बात अब इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अक्सर अवकात टाइम इस तरह का होता है कि बर्ड्स जो है वो मतलब मेटिंग वगैरह पे नहीं होते, ठीक है, तो उस टाइम जो फिर एग्स आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल खाली होते हैं, तो उस वजह से फिर हम लोग फिर खाते भी हैं एग्स। अच्छा, बाकी इनके पास जो मुर्गे हैं उनकी प्राइस भी जो है 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख है, तो कभी इनको ज़बह करने का कि इनका टेस्ट लिया जाए कैसे इनकी चिकन कढ़ाई या कैसे इनका गोश्त होता है? देखिए जितना ये महंगा होता है हिम्मत तो नहीं पड़ती बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी एजड हो जाए बर्ड, ठीक है, फिर उसको हम लोग ज़बह करके खाते भी, और बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। और कभी मतलब जिस किसी भाई को भी दिल गुर्दा हो इतना महंगा बर्ड खाने का, वो खा के ज़रूर देखे इसको, और आपको इंशाल्लाह जो है वो इसका आइडिया भी होगा टेस्ट का। और ये पहले मुर्गी आई अंडा या फिर मुर्गा आया, ये तो मसला दानिश ने हल कर दिया है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा है जो इनके पास है, और अभी इनके पास छोटे वाला कद में मुर्गा भी मौजूद है जो दानिश ने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। और ये सब जो है शामू का ख़ानदान पूरा इनकी रखा हुआ है, मुर्गियाँ भी हैं। और दानिश ने ये भी बताया कि 3 मुर्गियों से स्टार्ट किया और अब इनके पास 4,000 मुर्गियाँ हैं जो ये इनका जो है वो कारोबार कर रहे हैं, यंग भी हैं। और ये जो है हाइट में सबसे छोटा दुनिया का पाकिस्तान का मुर्गा है, कद में भी और वैसे भी। इसे इसकी खसूसियात जो है वो दानी से जान लेते हैं। बताइएगा कि ये सबसे छोटा है और ये कितना तंग करता है? ये जितना छोटा है ये उतने ज़्यादा जो है ना वो पंगे करता है अपने से बड़ों से, ठीक है। ये पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे छोटा असील माना जाता है, ठीक है, और ये हार्डली इसकी हाइट जो होती है वो 1 फीट के राउंड अबाउट होती है। इसकी क्वालिटी यही होती है, एक तो ये कोशामू इसका
ब्रीड का नेम है को शामू, मतलब शामूज में चार कैटेगरीज पाई जाती हैं। मतलब बिजनेस के हवाले से अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो ओ शामूज ज़्यादातर हमारे पास भी चलते हैं। एक को शामूज सिर्फ मुझे शौक है, बचपन से काफ़ी था, देखता होता था लेकिन ले नहीं पाता था, एक टाइम था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब लेने के काबिल हुआ और इम्पोर्ट करने के काबिल हुआ, फिर मैंने इनको जो है वो अपने शौक के लिए इम्पोर्ट किया माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे छोटे होते हैं बचपन में आता है कि गली मोहल्लों में रंगीन चूज़े कलरफुल होते हैं, 10-15-20 रुपए के मिल जाया करते थे, तो कैसे ख्याल आया कि उन चूज़ों से कैसे ख्याल आया कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्या वाकया इसका? देखें, जब आज से 4-4.5 साल पहले पाकिस्तान में कह लें कि मुर्गों के कारोबार को ना एक किस्म का मतलब एक गलीज कारोबार समझा जाता था, ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ थी मेरे दिलो दिमाग में था कि मैंने एक होप क्रिएट करनी है सबके अंदर कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसको एक साफ़ सुथरा कारोबार भी लेके चल सकते हैं। तो मैंने उसी तरह आगाज़ किया माशाल्लाह, एक ट्रायो सेट से 3 बर्ड से स्टार्ट किया माशाल्लाह, उसी में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की, पहले ऑलमोस्ट 9 से 10 बर्ड्स तक लेके गया और एक ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर मैंने माशाल्लाह अपनी फ़र्स्ट शिपमेंट जो है वो यूरोप से जो है वो इम्पोर्ट की। और आपका ये जो रंग बिरंगे चूज़े जब गली में सेल करने के लिए आदमी आए और इन्होंने अपनी मम्मा से ज़िद की कि मुझे ये चूज़े लेके दें, तो इनकी अम्मी ने डांटा, मना किया और ये रोने लगे, तो वो क्या आपका एक साथ वाकया आपके साथ क्या हुआ था? देखिए, आपको पता है बचपन में किसी की भी जो है वो पेरेंट्स ये इन चीज़ों के लिए जो है वो नहीं सपोर्ट करते, उनका खुशी होती है कि स्टडी पे ध्यान दो, ये फजूल शौक है, इन पे जो है वो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो लेकिन उस टाइम एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे जो है वो मना किया गया, लेकिन मैंने उस टाइम फिर ज़िद पकड़ ली, ठीक है, लेकिन उससे फिर मैं असील का शौक मुझे पड़ गया, वो और ज़्यादा उस टाइम महंगा था, वो चूज़े भी जो है वो मेरे लिए काबिले मतलब बर्दाश्त से बाहर थे कि ले नहीं सकता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने ले के दिखाने हैं। फिर अपनी मेहनत से मैंने पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के, ये ईदी वगैरह जोड़ जोड़ के मैंने पाकिस्तानी असील का एक जो है वो पैर लिया और उसके बाद फिर जो है ना अल्लाह पाक ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में जॉब्स बहुत कम रह गई हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई है और आपने महंगे तरीन उतने ही मुर्गे भी रखे हुए हैं, और जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में इस टाइम मेरी खुद की जो 6 ब्रांचेस चल रही हैं, ठीक है, अब उनसे इवन के चूज़ा इतनी डिमांड है इस शामू बर्ड्स के चूज़े की कि मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑन द स्पॉट नहीं होती, ऑलरेडी बुकिंग पे होता है सारा चूज़ा, वाइट हो, खावो ब्लू हो, ब्लैक हो या कलर का चूज़ा हो। कहने का मकसद ये कि बिज़नेस, एक तो खैर बिज़नेस में वैसे भी तजारत में बरकत होती है, लेकिन मैं जो चीज़ ज़ाहरी बात है जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मैं उसी के बारे में ब्रीफ कर सकता हूँ, और जितने भी नौजवान हैं मतलब या और लेडीज़ हैं ख़ास तौर पर जो मेरे साथ अटैच्ड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चूज़े मेरे ही प्लेटफॉर्म पर आके सेल भी होते हैं। कहने का मकसद ये कि मैं हर उस इंसान को सपोर्ट करता हूँ कि जो मतलब न्यू कमर्स हों या ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हों, नौजवान हों, 1-2 ब्रांच होल्डर्स माशाल्लाह मेरे ऐसे हैं। आपके कितने टाइम लगता है इनकी देखभाल के लिए? प्रॉपर 24 घंटे चाहिए होते हैं इनको, तो आप कैसे संभालते हो इनको, बल्कि बच्चों से बढ़कर आप इनसे मोहब्बत करते हो? इनको बेसिकली सुबह एक दफ़ा हमने दाना करना होता है, जब ये सुबह सुबह शोर इकट्ठे मचाना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा खाने का टाइम हो गया, फिर खाना इनको देना होता है सुबह के टाइम और ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद हमने इनको पानी देना होता है, इसी तरह शाम में फिर एक दफ़ा हम इनको दाना और पानी करते हैं। शहरों में शायद गाड़ियों के शोर की वजह से या देहात में होता है अभी भी ये होता है कि मुर्गों की आवाज़ से फजर का लोगों को वक्त का पता चल जाता था, और आजकल ये आवाज़ें हमें बहुत कम सुनाई देती हैं, तो इसकी आपको क्या लगता है कि क्या वजह हुई है? अक्सर औकात कहते हैं ना कि वो आपने मिसाल सुनी होगी कि इधर जो भी किसी को जो है वो किसी चीज़ के लिए उठाता है उसको काट दिया जाता है, तो वो आज मुर्गों का हिसाब हो रहा है कि मुर्गे जितने बेचारे वो आप देख रहे हैं कि जितना ज़िबा होता है, ठीक है, मतलब शौक कोई नहीं ज़्यादा मतलब इतना करता। अगर अभी आप बात करें 4 साल के अंदर, यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग जो मतलब फैमिलीज़ हैं, साफ़ सुथरे घरों में रहने वाले, कराची ख़ास तौर पे बात करूं तो आपको पता होता है लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उधर लोगों ने फ्लैट्स के अंदर अपना ये शामूज का कारोबार चूज़ों से बड़े बर्ड से स्टार्ट किया। जब ईद आती है आपको लोग ये नहीं कहते कि आपके पास वो गायें और बकरे की प्राइसें भी ज़्यादा, मुर्गे की जो हैं वो पड़े हुए हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही, अक्सर गाद मैं कभी जाता हूँ तो कोई पहचान भी लेता है, ठीक है, तो वो फिर क्या उसका नाम, वो भी मुझे ऐसे ही आगे से ट्रीट करते हैं कि जी आप भी तो मुर्गे इतने महंगे सेल करते हैं, तो अभी आपको हमारे पास भी हैं तो हम भी आपको जो है ना उसी तरह ही जानवर
ज़्यादा। जो आपको सबसे पहले हमने सबसे बड़ी पाकिस्तान का जो हाइट का मुर्गा दिखाया है, उसकी खास बात यह भी है कि वो अपने जो चूज़ा है अपने बच्चे को अपनी हाइट की वजह से सवारी भी कराता है। तो दानी से जान लेते हैं कि ये क्या खास खसूसियत है, एक यूनिक तरह की है। बेसिकली वो जितने उसके चूज़े होते हैं ना, वो उनको बिल्कुल, एक तो होते हैं बड़े बर्ड्स होते हैं, छोटे चूज़ों को मारते भी हैं, इवन वो किसी और बर्ड को छोड़ता भी नहीं है, ठीक है। वो मतलब बड़ी नफरत करता है बाकी जितने मुर्गे हैं या चूज़ों से या बड़े जो भी बर्ड्स हैं, लेकिन वो ख़ास उसके जितने चूज़े मतलब उसके साथ हैचिंग में, कोशिश मेरी होती है कि उसके साथ ही जितने फीमेल है वही ब्रूडी जब भी होती है, कुड़क होती है, तो उसी के साथ चूज़े भी निकलते हैं। तो ये होता है कि वो सारे चूज़ों को जितने जो उसके साथ निकले होते हैं उनको उसके ऊपर बिठा भी दें, वो जितना एक तो लंबा हाइट में माशाल्लाह उसके साथ बिठा भी दें तो वो प्रॉपर जो है वो उसको सवारी करवाता है प्रॉपर। जी बिल्कुल, जैसा आज हमने आपको मुर्गियों का एक शोरूम दिखाया, लाइटिंग है और सर्दियों में इनके लिए हीटर, गर्मियों में इनके लिए एसी, और दानिश ने तमाम तर आसाइशें इनको दे रखी हैं, और पता नहीं अपने बच्चों को इतना कर सके ना करें जितना मुर्गियों का ख्याल रखते हैं, मुर्गियों का, मुर्गों का और अंडे जो हैं ख़ास तौर पे। तो दानिश यही पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, किसी काम को छोटा भरा नहीं समझना चाहिए और हर छोटे से छोटे काम को लेके आगे बढ़े, और वही काम इंसान को बड़ा आदमी भी एक दिन लाजमी बनाता है।